नमस्कार दोस्तों, आज एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। विशेष ये है कि अपन घर से जब भी निकलते हैं तो भगवान की कृपा से सुरक्षित रहें, इस हेतु कुछ अपने को उपाय करके घर से निकलना चाहिए। यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किन किन उपायों से अपन सुरक्षित अपने शरीर को रख सकते हैं, उस हिसाब से अपने को यह कार्य करना चाहिए। उसी से संबंधित मैं एक या दो उपाय आपको बताता हूँ, जिसको करके अपन घर से निकलेंगे तो निश्चित रूप से ही अपन सुरक्षित रहेंगे, ऐसा मेरा अनुभव भी है और मानना भी है। तो सबसे पहले दुर्गा सप्तशती में देवी कवच आता है। कवच, अर्गला, कीलक, ये देवी दुर्गा सप्तशती में आते हैं, उसी में से देवी कवच है। इसको आप, विधान तो है इसका, दिन में तीन संध्याओं में मतलब तीन बार इसका पाठ करना चाहिए, इससे उसकी सिद्धि होती है। कुछ ही दिनों में, 41 दिन में उसकी सिद्धि होती है यदि आप तीनों समय में इसको करेंगे। क्या देवी कवच, उसमें विनियोग है, विनियोग करके आप देवी जी का कवच शुरू करें और उसमें अपने शरीर के प्रत्येक अंग की रक्षा के लिए एक एक मंत्र, एक एक श्लोक दिया है। इसको करने से तीन संध्याओं में यह सिद्ध होता है और चौथी संध्या का भी वर्णन किया गया है, इसको तुरीय संध्या बोलते हैं, वह रात्रि के 12 बजे से शुरू होती है। यदि उस संध्या में, चौथी संध्या में यदि इसको आप पाठ करते हैं इसका, तो वाक सिद्धि, वाणी की सिद्धि प्राप्त कराती हैं देवी, ये दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। स्वयं देवी जी ने ही देवताओं से बोला है। तो दोस्तों, ये देवी कवच हो गया, इसको आप तीन बार नहीं कर सके तो एक बार इसको सुबह के टाइम आप करें और फिर अपने कार्य से निकलें। देवी माँ की कृपा से आप सुरक्षित भी रहेंगे और निर्भय भी रहेंगे, और तीनों समय की संध्या आदि हो जाती है तो बहुत ही अति उत्तम रहता है। पर इतना समय आज नहीं मिल पाता कार्य के कारण, तो एक समय निश्चित रूप से इसको करना चाहिए, इससे अपन सुरक्षित रहते हैं, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहता है। दूसरा उपाय यह है कि राम रक्षा स्तोत्र आप लोगों ने सुना होगा। राम रक्षा स्तोत्र 5 मिनट में हो जाता है, उसको आप प्रतिदिन यदि करते हैं और यदि आपको कंठस्थ हो गया, याद हो गया, तो ये समझिए वो सिद्ध हो गया। और सिद्ध राम रक्षा स्तोत्र करके आप निकलेंगे तो आप निश्चित रूप से हर बाधा से सुरक्षित रहेंगे और इससे आप दूसरों को भी लाभ प्रदान करवा सकते हैं। ये किसी ज्वर हो जाए, बुखार, कोई रोग हो जाए, तो इस राम रक्षा स्तोत्र को अभिमंत्रित करके उस जल को यदि किसी रोगी को देते हैं तो वह ठीक होने लगता है, सनई सनई वह ठीक होने लगता है, ऐसा मेरा अनुभव है। राम रक्षा स्तोत्र यदि आपको सिद्ध हो जाता है, तो सिद्ध करने की इसकी विधि यह है कि नवरात्रियों में, 4 नवरात्रि आती हैं, 2 ओपन रहती हैं और 2 जो गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं, तो आप किसी भी नवरात्रि में 9 दिन में इस राम रक्षा स्तोत्र को सिद्ध कर सकते हैं। 51 बार पाठ करें, लेकिन निश्चित एक दिन जो संख्या आपने निश्चित कर ली, वह 9 दिन तक उसको उसी क्रम में आपको उसका पाठ करना रहता है और 10वें दिन इसका हवन करें और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो शक्तियां हैं वह आपके शरीर की, आपके घर परिवार की, सदस्यों की, सबकी रक्षा करती हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। तो ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा, रामचरित मानस में एक चौपाई आती है,
माम भी रक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक। इस चौपाई का प्रतिदिन 108 बार आप जाप करिए और इसका विधान ऐसा है कि एक निश्चित दिन निश्चित समय आप इसका करेंगे, 40 दिन में 108 प्रतिदिन जाप करें और 41 दिन इसका हवन करें तो निश्चित रूप से यह चौपाई सिद्ध होती है और हमारे लिए रक्षा कवच का काम करती है। माम भी रक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक, यह चौपाई है, आप याद कर लीजिएगा। सरलतम 3 उपाय मैंने आप लोगों को बताए हैं, आगे भी इस प्रकार के उपाय आपको बताते जाएंगे, लेकिन इस हमारी चैनल को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें तो आपको प्रतिदिन इस प्रकार के उपाय निश्चित रूप से मिलते रहेंगे। सबसे पहले नमस्कार।